भिलाई इस्पात संयंत्र नगर सेवा विभाग के दस्ते द्वारा टाउनशिप के मैत्री भाग चौक से लगी हुई दुकानों पर ताबड़तोड़ बुलडोजर चलाया गया। कार्रवाई में दुर्ग उतई पाटन रोड के दोनों ओर की दुकानों को जर्मीदोज कर दिया। दुकानदारों का कहना है कि वे इस कार्रवाई की विरोध नहीं करते, लेकिन कहीं और व्यवस्था करने के बाद तोड़फोड़ की जाती तो बेहतर होता। कहीं की व्यवस्थापन किया जाए, यहाँ तो कहने का मतलब यहाँ जो भी है आज इतने 30-35 सालों से यहाँ पे लोग बसे हुए हैं, अपने रोजी रोटी चला रहे हैं, लेकिन हॉकर लाइसेंस कम से कम कहीं न कहीं व्यवस्था किया जाए। यहाँ करीबन 25-30-35 सालों में 3 हॉकर लाइसेंस दिया गया है। एक आपका यहाँ पे मैत्री गार्डन चौक पे दिया गया है, राजन पान ठेला दिया गया है, और एक और दिया गया है। इसके अलावा कहीं नहीं, 35 साल हो गया, कहीं पे दिया नहीं गया। आपका शुभ नाम? संतोष कुमार। संतोष जी, यहाँ कब से आप ये चांद गुपचुप का व्यवसाय कर रहे हैं? 15-20 साल सर। आज 15-20 साल हो गए। क्या इसके पहले भी जो बेदखली की कार्रवाई आज हुई, इसके पहले भी किसी प्रकार की कोई सूचना नोटिस आप लोगों को दी गई थी? नहीं मिला था सर। जब इस बारे में आपने मंत्री जी से चर्चा की, चूंकि अब रिसाली निगम क्षेत्र है, गृह मंत्री जी का इलाका है, तो इस बारे में उनका क्या कहना रहा? उनका कहना कि व्यवस्थापन के देख रहे हैं, हम लोग देंगे। विशेष बात बंधन द्वारा जो है वो मड़ौदा बंकी मड़ौदा के पास जो है सड़क के किनारे जो केबल वायर गई है इलेक्ट्रिक की, उसमें कुछ लोगों ने अतिक्रमण करके दुकानें बनाया था। उनको पूर्व में 2-3 बार नोटिस दे करके हटाने के लिए नोटिस दिया गया था। उसी क्रम में जो है वो आज इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के द्वारा ये अतिक्रमण हटाने का कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।